नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल बे स्टडी पर स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 1 अप्रैल 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री डाकुओं से बचाए गए ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है तो इसका नाम अलकंबर था भारतीय नौसेना ने उनतीस मार्च दो को हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत मछली पकड़ने वाले एक ईरानी जहाज जिसका नाम अलकंबर था और इसमें तेईस पाकिस्तानी नागरिकों सवार था इसको जो है सशस्त्र समुद्री इराकों के द्वारा अपहरण कर लिया गया था तो इसको जो है बचाया है यह घटना सोकोठरा द्वीप समूह जो यमन का द्वीप है तो इससे नब्बे समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में आदन की खाड़ी में यह घटना घटी ठीक है भारतीय नौसेना के युद्धपोत आई एन एस ने 28 मार्च 2024 को इस पकड़े गए जहाज को घेर लिया बाद में इस मिशन में आई एन त्रिशूल भी शामिल हो गया तो आई एन और आई एन त्रिशूल इन दोनों ने मिलकर के ये ऑपरेशन चलाया और ये ऑपरेशन 12 घंटे से अधिक समय तक चला ठीक है उसके बाद भारतीय नौसेना के जवान इस जहाज़ पर पहुंचे और उन्होंने समुद्री लुटोरों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरीके से इस जहाज़ को छुड़ाया तो ये ऑपरेशन संकल्प क्या है तो भारतीय नौसेना ने नौपरिवहन और व्यापार के लिए हिंद महासागर को अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया है हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाल विवाह किस राज्य में रोके गए तो ये बिहार में रोके गए हाल ही में सत्रह राज्यों और से प्रदेशों के दो जिलों में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि एक नागरिक समाज संगठनों के गठबंधन ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान द्वारा संकलित डेटा के अनुसार 2022-23 में उनसठ बाल विवाह रोके ठीक है जिनमें से नौ हज़ार पाँच बाल विवाह के मामले में कानूनी कार्रवाई या हस्तक्षेप के माध्यम से इन विवाहों को रोका गया जबकि उनचास बाल विवाहों के मामले में माता पिता की काउंसलिंग और जागरूकता के माध्यम से इन विवाहों को रोका गया तो नौ ऐसे मामले थे जिनमें माता पिता नहीं मान रहे थे तो उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए तो ये जो मामले आए हैं इनमें लगभग साठ ऐसे मामले हैं जिनमें लड़कियों की उम्र पंद्रह से अठारह वर्ष है ठीक है जबकि 26 परसेंट मामलों में लड़कियों की आयु 10 से 14 वर्ष के बीच थी जबकि शून्य दशमलव छः परसेंट मामलों में लड़कियों की आयु 9 वर्ष या इससे भी कम थी शीर्ष राज्य जहां बाल विवाह रोके गए तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहां सर्वाधिक बाल विवाह रोके गए तो बिहार में इकतीस बंगाल में ग्यारह उत्तर प्रदेश में ग्यारह झारखंड में दस और राजस्थान में सात मामले ऐसे देखने को मिले हैं शीर्ष राज्य जहां कानूनी हस्तक्षेप या एफआईआर के माध्यम से जो है बाल विवाहों को रोका गया तो ऐसे राज्य हैं पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर जिसमें 32 परसेंट मामलों में एफआईआर दर्ज की गई जो कि असम में 27 परसेंट ओडिशा में 8 परसेंट बिहार में 7 परसेंट और महाराष्ट्र में 6 परसेंट ठीक है और इस अध्ययन में ये भी बात पता चली है कि उच्च महिला साक्षरता दर वाले राज्यों में बाल विवाह की व्यापकता दर कम देखने को मिलती है तो जहाँ एजुकेशन का स्तर अच्छा है वहाँ पर बाल विवाह कम देखने को मिले हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पाँच यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव जो 2019 से 21 के लिए आया था उसके अनुसार केरल में महिला साक्षरता दर छानवे परसेंट के साथ बहुत ही हाई है ठीक है तो यहाँ पर जो है बाल विवाहों का प्रचलन भी काफ़ी कम देखने को मिला है जो छः परसेंट से भी कम है जबकि पूर्वी क्षेत्र बिहार में महिला साक्षरता दर केवल इकसठ परसेंट है ठीक है तो यहाँ पर जो है बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी अधिक देखने को मिला यानी कि लगभग इकतालीस से अधिक तो हमें ये डाटा ज़रूर याद रखना है सबसे ज्यादा बाल विवाह कारो रोके गए तो बिहार में इकतीस परसेंट मामले आए ठीक है तो यहाँ पर और सबसे ज्यादा जो है कानूनी हस्तक्षेप के माध्यम से बाल विवाह कारो रोके गए तो ये पश्चिम बंगाल में बत्तीस भारत का बाल विवाह कानून का इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से शारदा एक्ट उन्नीस लाया गया था और ये एक अप्रैल उन्नीस को लागू किया गया था इसके माध्यम से पंद्रह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी पर रोक लगा दी गई थी ठीक है उसके बाद इस अधिनियम को जो है उन्नीस में आकर के संशोधित किया गया और इसके माध्यम से जो है लड़कियों की आयु पंद्रह वर्ष से बढ़ा करके अठारह वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु अठारह से बढ़ा करके इक्कीस वर्ष कर दी गई यानी कि इक्कीस साल से कम उम्र के लड़कों की शादी करने की अनुमति नहीं थी बाद में सरकार जो है इसमें और सुधार करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम दो लाई ये एक नवंबर 2007 से लागू हुआ इसमें आयु सीमा में तो कोई बदलाव नहीं किया गया यानी कि इसमें लड़कों की आयु इक्कीस वर्ष और लड़की की आयु अठारह वर्ष ही रही लेकिन इसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए गए तो ये तो वो बदलाव ये थे कि वयस्क को होने के बाद दो साल तक अपनी शादी को तोड़ सकता है तोड़ने का विकल्प इसमें दिया गया यानी कि अगर किसी बच्चे का जबरन बाल विवाह किया गया है तो अगर वो वयस्क हो जाता है तो उसके बाद भी दो साल तक वो उस शादी को तोड़ सकता है साथ ही अगर ऐसा कोई मामला देखने को मिलता है जिसमें लड़के की आयु पूरी थी यानी बालिक था लेकिन लड़की की आयु शादी के समय कम रही थी तो ऐसे मामलों में लड़के को एवं उसकी शादी करवाने वाले उसके परिवारजनों को दो साल की सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया उसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक दो तो में लाया गया ठीक है और ये अब तक संसद से पास नहीं हुआ है लेकिन इसमें कहा गया है कि महिलाओं की आयु को इसमें अठारह वर्ष से बढ़ा करके इक्कीस वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है तो अगर ये पास हो जाता है तो भारत में लड़के एवं लड़कियों दोनों की आयु जो है इक्कीस वर्ष हो जाएगी सुपर कंप्यूटर इस टारगेट का विकास कौन कर रहा है तो इसका विकास उपयुक्त दोनों यानी कि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन ए ये दोनों ही मिलकर के कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट और ओपन ए मिलकर एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जिसकी लागत संभावित रूप से हंड्रेड बिलियन डॉलर तक हो सकती है इस परियोजना का लक्ष्य इस टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना है यह प्रस्तावित इस टारगेट परियोजना 2028 में लॉन्च होने की उम्मीद है अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया गया है 30 मार्च को प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर शून्य अपशिष्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाने कार्यवाही को प्रेरित करने पर बल दिया जाता है प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यू और संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम यानी यूएन हैबिटेट द्वारा इसको मनाया जाता है 2024 की थीम तो अभी तक इसकी कोई थीम घोषित नहीं की गई है 2023 की थीम की बात करें तो अपशिष्ट पदानुक्रम इसकी थीम थी मार्च 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये मीना चरानदा को सम्मानित किया गया दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरंदा को शिक्षा व समाज के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दो के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया उन्हें है यह सम्मान सोखलेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा 30 मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया हाल ही में वर्ष 2024 के लिए भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया तो ये उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया यानी चौधरी चरण सिंह ए बी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन तीस मार्च दो को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ए बी नरसिम्हा राव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया तो इन चारों को ही यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया यानी कि इनके परिवारजन इसको लेने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे जबकि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को इकत्तीस मार्च दो हज़ार चौबीस को राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान दिया गया और भारत रत्न के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं पाँचों लोगों को यहाँ पर दिया गया है ठीक है और ये पूरी सूची अब तक किन किन लोगों को मिला है तो यहाँ पर दी गई है जिसमें खान अब्दुल गप्पार का, का पहले विदेशी थे जिन्हें उन्नीस में दिया गया था उसके बाद नेल्सन मंडेला दूसरे विदेशी थे जिन्हें उन्नीस में दिया गया था तो ये दो विदेशी हैं जिन्हें दिया गया है तो ये पूरी सूची आप पी डाउनलोड करके इसको आसानी से जूम करके अच्छे से पढ़ सकते हैं अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं तो इसमें पहली खबर है भारत सरकार का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जी बिज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई e कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है खाद्य और कृषि संगठन यानी एफ ने उनतीस मार्च दो को रोम में स्थित अपने मुख्यालय में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष दो का समापन समारोह आयोजित किया 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के एक प्रस्ताव के बाद 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था जिसे 80 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था चिराग सेट्टी और साई सात्विक राज रंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष बैडमिंटन जोड़ी ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व नंबर एक खिलाड़ी रहने वाली साइना नेवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है तो ये जोड़ी जो है अब सबसे सबसे लंबे समय तक बैडमिंटन खिलाड़ियों की शीर्ष रैंक पर रहने वाली जोड़ी बन गई है तो ये दोनों पिछले दस सप्ताह से दुनिया की नंबर एक पुरुष युगल जोड़ी बने हुए हैं ठीक है हाल ही में द टाइम्स ग्रुप द्वारा नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में स्टार एस्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायरों में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दोला बने हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति लुइस गोसेट जूनियर का सतासी वर्ष की आयु में निधन हो गया सेट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी साई इंडिया और ब्रांजीलियाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है तो दोस्तों ये थे हमारी एक अप्रैल 2024 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए धन्यवाद